नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी वीएसएससी यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। ये सेट पेटिस 2012 का है जो कि इस बार हो सकता है कि इसमें से कई क्वेश्चन फंस सकते हैं। दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए इसमें सभी टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, इसमें टेक्निकल की बात करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर एक जो है नॉन टेक है। आप सिंपली इसमें क्या करोगे, फार्मूला लगा सकते हो। शंकु का आयतन दी पूछा है और मान दिया है 1/3 πr² h से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए टेक्निकल की बात करते हैं तो दूसरा नंबर टेक्निकल है। स्थायी बंधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि परमानेंट ज्वाइंट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। स्टड का प्रयोग करते हैं, की का प्रयोग करते हैं, पिन का प्रयोग करते हैं या रिवेट का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें से आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, रिवेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिच्छेदी सेप्टो को जोड़ने के लिए प्रयुक्त गियरों का क्या नाम है, ठीक है। उसे कहते हैं आड़ी गियर, जिसे कहते हैं बेवल गियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक माइक्रो कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एक माइक्रोन में कितना सेंटीमीटर पूछेगा, तो 1/10,000, ठीक है, 1/10,000 इसका आंसर सही है। पांचवा नंबर की बात करते हैं, अपेक्षित घनत्व की इकाई कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं, इसका कोई इकाई नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छः नंबर, मशीन बेड को निर्माण करने के लिए ढलवा लोहे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखो काफ़ी बार एग्जाम ये भी पूछा गया, जो मशीन के बेड जो बने होते हैं वो ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं, क्योंकि वो अधिक संपीड़न भार को प्रतिरोध करता है, मतलब कंप्रेस करता है, ठीक है। इट इज़ ए रिसीट मोर कंप्रेस लोड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें दिया एक त्रिकोण का पार्श्व 3-4-5 अनुपात में है। यदि सबसे लंबा पार्श्व 170 mm है तो अन्य दोनों पार्श्वों की लंबाई कितना होगा। वैल्यू क्या दिया, 3-3-4-5, सबसे बड़ा सबसे लंबा जो है 170, तो 5 इसमें से बड़ा है तो 5 = 170 ले लो, ठीक। तो 1 = कितना हो जाएगा दोस्तों, 34, समझ में आ रहा है। 34 में 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 102। 34 में फिर 4 का गुणा करोगे तो 136, यही तो पूछा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, HHS का मुख्य घटक क्या है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया HHS, ठीक है, HS, ठीक है। इसका मुख्य घटक होता है टंगस्टन, क्रोमियम और मैनेडियम। कभी कभी इसका परसेंटेज पूछता है, तो इसका कितना होता है, 18-4-1, 18 क्या होता है टंगस्टन, 4 क्रोमियम और 1 मैनेडियम, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मृदु इस्पात की तुलना में रबड़ प्रतिस्थता है। देखो मृदु इस्पात की बात करेगा तो रबड़ का प्रतिस्थता क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दसवां नंबर क्या है, देखिए दसवां न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है, आप वैल्यू सीधे रख के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। साइन 30 और कॉस 45 का मान और ये सब वैल्यू रख के आप सिंपली निकाल सकते हो, काफ़ी ईजी इसमें क्वेश्चन इसरो में बातें हैं नॉन टेक से। धातु के लिए किस गुणधर्म के कारण वह प्रगात भार को सहन कर सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो धातु का वो कौन सा गुण होता है जो आने वाले प्रघात को यानी कि झटका को महसूस कर सकता है, उसका आंसर होगा दोस्तों डी भंगुरता, ठीक है, डी मजबूती, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है, मजबूती जिसे कहते हैं टफनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां नंबर न्यूमेरिकल है, इस कुल सतह का क्षेत्रफल निकाल सकते हो सिंपली, हम इसमें टेक्निकल क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर बात करते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, पूछ रहा है कि डाउल पिनों का उपयोग किस लिए करते हैं। जो डाउल पिन होता है उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, अप्रत्यक्ष बंधन के लिए, ठीक है, हिडन फास्टिंग के लिए हम लोग डाउल पिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर क्या है, एक घूर्णन पर एक नट द्वारा चली जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं। आप याद किए होंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है, उसे क्या कहते हैं, लीड, ठीक है। एक घूर्णन में जो नट द्वारा चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लीड, याद कर लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है। 15 नंबर क्या पूछा है, बोला कि ब्रेजन में समानतः उपयोग किए जाने वाले पूरक धातु क्या है, ठीक है, वो क्या है, जस्ता, तांबा जस्ता का मिश्र धातु,
ठीक है। ब्रेंजन एक वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग में प्रयोग होता है, जैसे होता है सोल्डरिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग। तो उसमें ब्रेजिंग में जो उपयोग करते हैं धातु पूरक के रूप में, वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर, शंकु या टेपरित कंठ वाले स्क्रूओं को कसने के लिए किसका वियर का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंगिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर, ये भी इजी है क्वेश्चन, तो आपको सिंपली निकाल सकते हो क्या क्या है, 1/2b बराबर उमा विद थी, तो बी का वैल्यू क्या होगा? तो इसको निकालोगे तो सिंपली आ जाएगा 1.5। निकाल के देख लीजिएगा, बहुत इजी सवाल है। सेकेंड कट फाइल का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है फाइल से। देखो भाई, सेकेंड कट फाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं फिनिशिंग करने के लिए, अच्छा फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए हम सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिवेट छेद केंद्र से प्लेट छोर तक न्यूनतम दूरी कितनी होती है? देखो रिवेट से पूछ रहा है, रिवेट छेद केंद्र से प्लेट के बीच की दूरी पूछा है। ठीक है, तो उसका आंसर कितना होगा? 2D होगा। यदि रिवेट का नंबर पूछे, यानी कि रिवेट से रिवेट की दूरी पूछे, तो 3D होगा, लेकिन रिवेट क्षेत्र से और प्लेट की दूरी पूछा है तो क्या होगा? 2D होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संक्रमण फिट का एक उदाहरण है, ठीक है, जिसे कहते हैं ट्रांसफरेंट फिट का एक एग्जाम्पल बताना है इसमें आपको, तो वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, रिंगिंग फिट। ठीक है, जिसे रिंगिंग फिट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 21 नंबर, देखो न्यूमेरिकल आराम से निकाल सकते हो, RPM पूछा गया तो आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फार्मूला लगाएगा। 22 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, चौकोर शीर्ष वाले बेल्टों का उपयोग समानता के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चौकोर ब्लेड जितना भी होते हैं उसके लिए स्लेटों को फिट करने के लिए क्या करते हैं? चौकोर शीर्ष वाले बेल्टों का उपयोग किया जाता है स्लोटों को फिट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक माइक्रोमीटर का सबसे कम काउंट कितना होता है? आप सिंपली यही माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछा है, ज़्यादा घुमाना नहीं है। 23 नंबर का आपको 0.01 mm, ठीक है, 0.01 mm होता है, आप याद कर लीजिए। यदि मिट्टी माइक्रोमीटर पूछेगा तो जीरो बढ़ जाएगा 1, वर्नियर कैलिपर पूछेगा तो 0.02 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धातु को बड़ी मात्रा में निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेती का प्रयोग, देखो जब हमको धातु अधिक काटना है तो कौन सा फाइल का प्रयोग करेंगे? बास्टर फाइल का प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5/8 को 10 पन्नों में प्रतिकृत करते, आप सिंपली कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा? 5/8 को भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.625, इसी तरह आएगा कुछ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, बोला कि एक्मी थ्रेड का कोड कितना होता है? द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड इज 29 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक खराद के मुख्य स्क्रू का थ्रेड है कौन सा होता है? जो खराद में लीड स्क्रू जो होते हैं वो कौन सा थ्रेड कटे होते हैं, उसमें ये बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एक्मी थ्रेड कटे होते हैं लीड स्क्रू में। ठीक है, जब मेल पार्ट तप्त स्थिति में होता है तो फीमेल पार्ट को लगाने वाले फिट को क्या कहते हैं? ये फिट से क्वेश्चन है, उसको क्या कहते हैं? सिंक्रेज फिट। क्या कहते हैं? सिंक्रेज फिट कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे बैलगाड़ी पर जो रिम चढ़ाया जाता है सिंक्रेज फिट के द्वारा चढ़ाया जाता है, ये क्या करता है कि रिम जो चढ़ाया जाता है उसको गर्म करके चढ़ाया जाता है। ठीक है, 29 नंबर बात करते हैं, बेदी पंच का कोण कितना होता है? ठीक है, द एंगल ऑफ प्रिक पंच, प्रिक पंच का एंगल। जब क्वेश्चन नहीं समझ में आए, हिंदी इतना शुद्ध लिखा रहता है, यदि नहीं समझ में आए तो आप सिंपली इंग्लिश में जाके देख सकते हो क्या लिखा है। ठीक है, तो प्रिक पंच का मान होता है 30 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छेद को बड़ा करने के लिए उप्पा निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाली रीति का प्रयोग, देखिए यहाँ पर उप्पा आप समझ में नहीं आएगा, बट आप इंग्लिश में जाके देख सकते हो। द फाइल यूज्ड बाय डाई मेकर्स ऑफ इनलार्जिंग द होल, मतलब को होल को बढ़ाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? ठीक है, उसे कहते हैं, ये इसका आंसर दोस्तों इसका होगा रोटरी फाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंजीनियरिंग चित्रांग में फिल्टेड वेल्ड के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वेल्डिंग चिट का क्या नाम है? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे कहते हैं सी, जो वेल्डिंग के लिए हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्नलिखित में से वियरिंग में से किसमें वियरिंग दाब शेफ्ट के अक्ष के लंब दिशा में कार्य करता है?
तो आपको ये बताना है, वो होता है जर्नल वियरिंग। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33 नंबर, घर्षण प्रक्रिया के द्वारा कम खर्च में जिस सही उष्णता ग्रेड का प्राप्त किया जा सकता है वह ग्रेड कौन सा होता है? तो वो ग्रेड होता है आपका दोस्तों 11, जिसे कहते हैं IT 11। सही द टॉलरेंस ग्रेड विच कैन बी अविडेंट इकोनॉमिकल बाय ग्रेडिंग प्रोसेस, तो होता है IT 11। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, पाई 30H7/D9 के मामले में D9 को क्या सूचित किया जाए? देखो इसमें पहले ये समझ जाओ, 30 जो है बेसिक साइज कहते हैं, H7 जो है वो फंडामेंटल डिवीजन होता है होल के लिए, D9 जो दिया है, D जिसे कहते हैं फंडामेंटल डिवीजन एंड ग्रेड ऑफ टॉलरेंस इसे कहते हैं, तो ये सॉफ्ट के लिए, ये सॉफ्ट का आकार बताता है D9। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 35 नंबर क्या बोल रहा है, यदि 240 mm पृथ्वीच व्यास के लिए किसी गियर के 40 दंत होते हैं तो उस गियर का मॉड्यूल कितना होता है? ये आप सिंपली फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। तो इसमें ये पूछा गया है कि द मॉड्यूल ऑफ द गियर, ठीक है, तो इसमें कितने गियर होंगे ये बताना है, तो इसका फार्मूला निकाल सकते हो। तो होता है पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, तो पिच सर्कल डायमीटर कितना दिया हुआ है 240, और नंबर ऑफ टीथ यानी दांतों की संख्या 40 दिया हुआ है, आप सिंपली काटो, 0 से 0 कट गया, 4 × 24 6, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 35 नंबर क्या पूछा गया है, 36 नंबर की बात करते हैं, ये न्यूमेरिकल है, आप सीधे आयतन निकालोगे हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर की बात करते हैं, 37 नंबर बोले द्रव्यमान उत्पादन में त्रुटि की सीमा को निश्चित करने के लिए बनाए गए भागों को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इसे कहते हैं इंटरचेंजबिलिटी, ठीक है, समझ, इसका हिंदी होता है अंतरापरिवर्तनीयता, ठीक है। द्रव्यमान उत्पादन में त्रुटि को सीमा नीचे निश्चित करने के लिए बनाए भागों को क्या कहते हैं? जैसे आप पेन, जैसे आप मान लो कि आप पेन ढक्कन, आप मान लो सिंपली एग्जांपल इस तरह, आपके पास पेन है, पेन में ढक्कन जो लगा होता है, आप ढक्कन जो खो गया तो आप ढक्कन मार्केट में से ले सकते हो, बट यही को हम क्या कहते हैं, इंटरचेंजबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी कोण पर समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लिनोग्रेफ, क्या कहते हैं, क्लिनोग्रेफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 39 नंबर, किसी जॉब के आंतरिक दक्षिण कोण को पार्ट्स को रेतन करने के लिए फाइल का प्रयोग किया जाता है, किसका फाइल का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 40 नंबर, 30 डिग्री की रेडियंस किसके बराबर होता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, रेडियन किसके बराबर होता है, 30 डिग्री ऐसे ऐसा पूछ दे रहा है, तो ये होता है π/6, ठीक है। पहले आपको याद रहना चाहिए एक डिग्री का मान कितना होता है, तो एक डिग्री का मान कितना होता है, एक रेडियन का मान कितना होता है, एक रेडियन की वैल्यू होता है 180 डिग्री। इसी तरह 2 रेडियन का मान कितना होता है, 90 डिग्री। इसी तरह आप निकाल सकते हो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का आ जाएगा π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 41, ये न्यूमेरिकल आप सिंपली लगा सकते हो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 42 नंबर की बात करते हैं, सीट धातु जॉबों को बल प्रदान करने वाला प्रचालन किसे कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों लेपन, क्या कहते हैं, डी भेदन, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है, भेदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, TIG वेल्डिंग के लिए समानते उपयोग किए जाने वाले गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम आर्गन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 44 नंबर, जिग का प्रयोग करने के लिए किया जाता है, तो जिग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वो उपकरण को पकड़ने रखने के लिए और निर्देश देने के लिए, वो होल्डिंग भी करता है, गाइड भी करता है, क्या, जिग, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 45 नंबर, पार्ट्स ए से युक्त एक क्यूब का आयतन कितना होता है? तो एक क्यूब का आयतन होता है A3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी न्यूमेरिकल, वाई का वैल्यू निकालना है, सिंपली आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 गैलन में कितना लीटर होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है 1 गैलन में कितना होता है, 4.546 लीटर, याद कर लो भाई, 4.546 लीटर होता है, ठीक है। 48 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 48 नंबर क्या बोल रहा है, तो 48 नंबर ये भी न्यूमेरिकल है, इसको आप सिंपली करोगे तो आप ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 1/2 ABC, ठीक है, आप
निकाल सकते हो, ये फार्मूला ही दे दिया है। ठीक है, 49 नंबर की बात करते हैं, एक साधारण षट्भुज के दो पार्श्वों के बीच अंतर्विष्ट कोण क्या होता है? दो पार्श्वों के बीच क्या होता है, वो होता है दोस्तों 120 डिग्री, 60 और 60। षट्भुज की बात कर रहा है, षट्भुज में हेक्सागोनल बनता है जो, वो दो पार्श्वों के बीच एक होता है 60, एक होता है 60, दोनों मिला के 120। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है, एक ड्रिल जिग में किस भाग को कठोरित किया जाता है? तो एक जिग ड्रिल में हम लोग क्या करते हैं, बूज को क्या करते हैं, कठोर करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।